हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। सो आज हम करेंगे क्लास थर्ड की वर्कशीट और हमारा टॉपिक होगा डिवीजन। काफी टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि एग्जाम चले हुए हैं और थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है, अभी भी गला थोड़ा बैठा हुआ है। तो कोशिश करूंगी कि मैं डेली अपलोड कर सकूं क्योंकि मुझे पता है एग्जाम अभी चल रहे हैं, कुछ बच्चों के हो चुके हैं, तो ऐसे में अगर आपको एक वर्कशीट मिल जाती है तो काफी हेल्पफुल हो जाता है आपके लिए और एग्जाम को निकालना भी आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। कैसे करना है इसको, हमें डिवाइड करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसा कि नेम सजेस्ट है सब्ट्रैक्शन, तो यहां पर भी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है रिपीटेड यानी कि अगेन एंड अगेन। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे 12 को 2 से डिवाइड करना है। सो 12 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जिनको हमें आपस में डिवाइड करना है उन्हीं को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये आ जाएगा हमारा 10। ओके ओके, नाउ अभी जो हमारा आंसर आया 10 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 2 को, सो ये आ जाएगा हमारा 8। फिर 8 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 2 को तो आएगा 6। फिर 6 में से 2 को, यानी कि हमें 2 को रिपीटेड यानी कि बार बार सब्ट्रैक्ट करना है जो भी हमारा आंसर आता है। और हम कब तक इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब तक हमारा 0 ना आ जाए। कब तक करेंगे, जब तक हमारा 0 ना आ जाए। तो देखिए कितनी स्टेप्स में हमारा 0 आया, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो यानी कि जब आप 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो 6 आएगा। ओके चलिए एक बार मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ, बाकी दोनों आप लोगों के लिए है, इसे प्रैक्टिस करेगा घर पे। सो यहाँ पे हम करेंगे 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट तो आएगा हमारा 6। देन 6 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को तो आएगा 4। 4 माइनस 2 2 2 माइनस 2 0। सो कितनी स्टेप्स हो गई, 4। सो यानी कि अब जब हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 4। राइट डिवीजन फैक्ट, देखिए दो फैक्ट्स होते हैं हमारे यहाँ पे, एक होता है मल्टीप्लीकेशन, एक होता है डिवीजन फैक्ट। डिवीजन फैक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए जब भी हमें डिवीजन फैक्ट निकालना होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई गिवन होगी, ठीक है, और जब भी हम मल्टीप्लीकेशन फैक्ट निकालेंगे तो हमें यहाँ पे डिवाइड गिवन होगा, वो भी मैंने आगे लिया है उस टाइप का क्वेश्चन। तो पहले इसको देखते हैं। सो यहाँ पे पहले हमें मल्टीप्लीकेशन दी हुई है तो हमें डिवीजन फैक्ट बताना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 8 16 है, तो एक बार आपको यहाँ पे 16 लिखना है 2 टाइम्स। एक बार आप इसे डिवाइड करोगे 8 से और एक बार आप इसे डिवाइड करोगे 2 से। सो जो आंसर है वो यहाँ पे कितना आएगा, क्रॉसपॉन्डिंग, सॉरी, सो आंसर जो हमारा आएगा यहाँ पे 2 और 8 क्रॉसपॉन्डिंग आएगा, ठीक है। क्या होता है डिवीजन फैक्ट, देखिए जब हम किसी भी 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट होता है यानी कि जो कि हमारा आउटपुट आया, अगर हम उन दोनों नंबर से 1 बाय 1 उसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर है वो क्रॉसपॉन्डिंग आता है, यानी कि जब आपने 8 से डिवाइड किया तो 2 आया और 2 से डिवाइड किया तो 8 आया, और ये वही 2 नंबर है जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर आता है जिससे अब अभी हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। तो ये होता है डिवीजन फैक्ट, ये होता है हमारा डिवीजन फैक्ट। कैसे किया, एक बार हमें यहाँ पे रिजल्ट लिखना होगा, एक बार 2 से डिवाइड कराएंगे, एक बार 8 से कराएंगे और फिर इनको क्रॉस, जो रिजल्ट है वो क्रॉसपॉन्डिंग आता है, ठीक है, इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लीकेशन फैक्ट, इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको डिवाइड में गिवन करेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पे डिवाइड मिलेगा और अब आपको इनको मल्टीप्लीकेशन फैक्ट में लिखना है। सो हम क्या करेंगे, एक बार 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, एक 15, एक 3 और एक 5 है, हमें क्या करना है, जो रिजल्ट आया है उसको एक बार 3 से कराएंगे और एक बार 3 को 5 से कराएंगे। सो जो रिजल्ट है वो हमारा कितना आएगा, 15 आएगा। ये होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स, क्या होता है मल्टीप्लीकेशन फैक्ट, यानी कि कैसे भी आप मल्टीप्लाई करा, जो 3 मल्टीप्लाई 5 करा, ये 5 मल्टीप्लाई 3, जो हमारा रिजल्ट है वो सेम 15 आएगा, ठीक है। इसका क्या थ्योरी, इसमें यहाँ पे लिखा गया है कि जब हम किसी 2 नंबर्स को, जैसे एक बिग जो नंबर है उसको डिवाइड करा रहे हैं, सो जो रिजल्ट है, ठीक है, यानी कि ये क्या है, हमारा क्वेश्चन आया ना 5 हमारा, ओके इस क्वेश्चन में जो 15 है वो हमारा क्या है, डिविडेंड है, क्या है, डिविडेंड है, और 5 हमारा क्या है, डिवीजर है, 5 हमारा क्या है, सॉरी 3 हमारा क्या है, डिवीजर है, सॉरी 3 हमारा डिवीजर है जिससे हम भाग कर रहे हैं, जिसको हम भाग दे रहे हैं वो डिविडेंड है, और जो इसको भाग करने पर रिजल्ट आया वो हमारा क्वोशंट है, वो क्या है, हमारा क्वोशंट है। तो यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स में कि जो हमारा डिविडेंड होता है,
ठीक है। सो जो हमारा डिविजर होता है और जो क्वेश्चेंट होता है, जब हम आपस में उनको मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे कैसे भी करें, 3 × 5 करे या 5 × 3 करे, आंसर जो हमारा डिविडेंड के इक्वल ही आएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। डिवाइड, अब देखिए यहाँ पे जो डिवाइड है इजी है, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगी। अगर आप इस तरीके से ना करना चाहे इस तरीके से, तो कैसे हम डिवाइड करेंगे? शॉर्टकट यहीं पे हम आंसर इनका कैसे देंगे? ठीक है, अगर देखिए आपको 100 की टेबल आते तो आप डायरेक्ट 108 लिख सकते हो। यहाँ पे कैसे करेंगे आप डिवाइड करोगे? सो सिंपल तरीका क्या है, देखिए हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 10 से। 10 में कितने जीरो है, 10 है, पीछे से आप 1 डिजिट रिमूव कर दीजिए, यानी कि 10 को घटा दीजिए डिजिट में, यानी कि जीरो को। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पे आप इस डिजिट को कैंसिल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 16। यहाँ पे 2 डिजिट कम कर दीजिए, यानी कि पीछे के 2 डिजिट, 0 एक डिजिट ही तो है, ठीक है। यहाँ पे 20 थी 100 में, 20 यहां से कम की, यहाँ पे 2 20 है, यहाँ पे भी 20 कम करेंगे तो 8। यहाँ पे देखिए 10 कम करेंगे तो आंसर आएगा 500, क्योंकि 10 में भी 10 है और 5000 की 10 हटाएंगे तो 500 आंसर। इस तरीके से आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, ऑल्सो चेक योर डिविजन। ओके, चलिए, वेरी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये हमारा डिविजन दिया हुआ है। सबसे पहले मैं इसको डिवाइड करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा डिविजर है, कौन सा डिविजन है। डिविजर कौन सा होगा जिससे हम डिवाइड करते हैं? यहाँ पे जो 3 है वो हमारा डिविजर है। क्या है वो? हमारा डिविजर है। यहाँ पे जो हम नंबर लिखते हैं वो हमारा होता है डिविडेंड, डिविडेंड। हमारा जो आंसर आएगा वो होगा हमारा क्वेश्चंट, और आफ्टर डिवाइडिंग या जब हम डिवाइड कर लेंगे तो जो नीचे रह जाता है वो होता हमारा रिमाइंडर। यहां पर मैं आपको दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। सो नाउ 3 × 2 = 6 हो जाएगा, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 6 गया 2, अब हम 7 को डाउन ले आएंगे, 3 × 9 = 27। देखिए यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, अभी 6 को ले आएंगे क्योंकि 7 के आफ्टर 6 है। सो 3 × 2 = 6, देन 5, नाउ 3 × 1 = 3, और जो हमारा ये 2 है वो हमारा रह गया है रिमाइंडर। नाउ हम अपनी डिवीजन को चेक कैसे करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो सही है कि नहीं है? सो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू हमारा क्वेश्चंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे डिविजर से प्लस रिमाइंडर। ठीक है, प्लस रिमाइंडर। अब आप यहां पे क्वेश्चंट हमारा जो आया है उसे लिखेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, प्लस 2 रिमाइंडर कर देंगे। अगर इन सबको सोल्व करने के बाद, यानी कि पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसमें 2 ऐड करेंगे, सो जो रिजल्ट है अगर वो डिविडेंड के इक्वल आता है, यानी कि 8765 के इक्वल आता है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट है, हमने सही डिविजन की है। नाउ ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, स्पेस कम है। देखिए अभी ना कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे, क्या करते हैं ना, जैसे यहाँ पे अगर 60 भी है तो 10 से ही, मतलब 6 की टेबल 10 पे गई, डायरेक्ट यहाँ 10 लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए पहले हम 4 को लेकर चलेंगे, अब क्योंकि 6 के टेबल में तो 4 आएगा नहीं, देन हम इन 2 डिजिट्स को कंसिडर करेंगे, फिर हम अपनी 6 की टेबल पढ़ेंगे, तो 6 × 7 जो कितने हो गए, 42। नाउ यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आया 1, ऊपर से हम ले आएंगे 2, 6 × 2 = 12, यहाँ पे भी 0 आ गई, और अब आ गया हमारा 5। नाउ जो 5 है वो तो 6 के टेबल में आता नहीं है, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, बट क्योंकि ये डिविजिबल नहीं हुआ है तो इसके लिए यहाँ पे 0 तो हमें लगानी ही पड़ेगी। ध्यान रखिए अगर हमने किसी डिजिट को ऊपर से लेकर आए हैं और वो डिविजिबल नहीं है तो उसके लिए हम यहाँ पे 0 जरूर लगाएंगे। अब चलिए हम अपने आंसर को चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला था मैंने, क्वेश्चंट मल्टीप्लाइड डिविजर प्लस रिमाइंडर किसके बराबर आना चाहिए, डिविजेंड के बराबर। सो क्वेश्चंट हमारा आ गया 720 × 6 + 5। पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है, देन प्लस 5, सो ये आ गया 4325, और हमारा क्वेश्चंट भी सेम ही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने जो डिवीजन किया है वो बिल्कुल करेक्ट किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 495 पेंसिल्स थी, 9 पेंसिल बॉक्स थे, तो उन्होंने पूछा हाउ मेनी पेंसिल इन ईच पेंसिल बॉक्स। देखिए
कितनी पेंसिल से टोटल जो पेंसिल्स थी पहले हम लिख लेंगे टोटल पेंसिल। देखिए बच्चों को अगर आपके बच्चे की स्कूल में स्टेटमेंट नहीं करवा रहे तो इट्स ओके, बट आप बच्चों को बोलिए कि स्टेटमेंट बनाए, सिंपल बनाए, इससे क्या होगा बच्चों को प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे पेंसिल लिखनी है तो हम टोटल पेंसिल लिख देते हैं 495। टोटल बॉक्सेस कितने हैं, क्योंकि उन्होंने बोला ना 9 पेंसिल बॉक्स, तो टोटल बॉक्सेस कितने हैं 9। अब पूछा कि एक बॉक्स में कितनी पेंसिल है ना, हाउ मेनी पेंसिल इन ईच पेंसिल बॉक्स, ठीक है। फिर नंबर ऑफ पेंसिल इन वन बॉक्स या वन पेंसिल बॉक्स कैसे करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रही हूं। पहली डिजिट देखते हैं, नहीं जाएगा क्योंकि स्मॉलर है, 4 इज स्मॉलर देन 9, देन टू डिजिट को कंसीडर करेंगे, 9 5 जा 45, यहां पे हमारा 4 होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे देन फिर से 9 5 जो 45। सो जो हमारा एक बॉक्स था उसमें पेंसिल्स थी 55, तो हमारे 9 बॉक्स में पेंसिल आ गई 495। ओके, सो आज की इस वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए रेगुलर वीडियो लेकर आ पाऊं। सो बाय बाय, टिल देन stay safe, stay healthy.